बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक यूनिक सा बर्फ़ी रोल बनाना बताती हूँ जो बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप ये मिल्क पाउडर ले लिया है। यहाँ पे मैंने नट्स ले लिए हैं, नट्स ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रखें। यहाँ पर मैंने 4-5 इलायची ली है जिसे मैं पीस लूँगी और नट्स भी छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप चीनी है, 1/2 कप जितना हम असली घी यूज़ करेंगे, और ये 2 कलर हैं, ग्रीन और रेड कलर। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले हम 1/2 कप जितना ये मेरा मेल्ट किया हुआ 1/2 कप घी है ये शामिल करेंगे। ये डालने के बाद पर मेरे पास 1/2 कप जितना मिल्क है, ये मिल्क भी इसे साथ शामिल कर देंगे घी में। थोड़ा मेजरमेंट के साथ करते हैं तो ये एक हिसाब किताब सही रहता है। इसे मिला लें, मिलाने के बाद ये जो दूध का पाउडर है ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। देखिए इस तरह से इसको, और ये अगर गुठली बन भी रही है तो इसे इस तरह से आप मिक्स करें घी और दूध के साथ, दूध का पाउडर इस तरह से मिक्स करते जाएं। फिर इसके बाद वापस हम थोड़ा इसमें डालेंगे से। अच्छा ये बर्फी रोल बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की। इसको भूनते हुए बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। ये सारा थोड़ा थोड़ा करके ये सारा पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये इस सिचुएशन में आ गया है। अब इस स्टेप पर ये चीनी चली गई इसमें, और इसके साथ ही ये मेरे पास तकरीबन 1/4 जितना इलायची का पाउडर है ये भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसे चीनी और इलायची के पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से हिलाते जाएं, बस ऐसे ये कि हमें छोड़ना नहीं है, अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपक भी सकता है। इस मिठाई को 3 हिस्सों में कर लिया है क्योंकि मुझे इसमें कलर्स भी शामिल करने हैं। अब ये है, ये मेरे पास ग्रीन कलर है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे मिक्स करूँगी। ये रेड फूड कलर जो है ये इसमें शामिल कर देते हैं और इसे भी आपस में मिक्स करते हैं, और एक हिस्से को हम वाइट ही रहने देंगे। तीनों का ये हमारे पास वाइट भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, रेड भी हो गया। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसमें पिस्ते और डालना नट्स डालना चाहते हैं तो आप नट्स डालें, और अगर नहीं डालना चाहते तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। ये कि थोड़ा नट्स डालेंगे तो ये मज़ेदार लगेगा। ये डाल दें इसमें बादाम, और ये कि हम रेड को रेड में कुछ भी ना डालें, डालने हैं तो काजू या आप वॉलनट्स वगैरह डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें बादाम और इसको पिस्ते को अच्छे से इसे मिक्स कर लो। इसके बाद हम अपने ये रोल बनाएंगे अपनी बर्फी का। इस तरह से ये ग्रीन हिस्से को मैंने इस पे बटर पेपर पर फैला दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो रेड रख सकते हैं, वाइट रख सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, पहले जो भी आपको रखना है। ये देखें, अब इसके ऊपर इसको फैला देंगे इस तरह से। को फैलाने के बाद ये देखिए हमने लाल को फैला दिया। अब इसी तरह से ये जो वाइट हिस्सा है इसे भी हम डालेंगे, और इसे भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, सारा डाल दें। ये करने के बाद इसे भी हम फैला लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसका मैंने रोल बना लिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे हम ये बटर पेपर में डाल के और फ्रिज में मैं रखती हूँ, फिर मैं आपको इसे पीसेस करके बताती हूँ।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो है बर्फ़ी रोल बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बने हैं। तो ज़रूर इस रबी अव्वल के महीने में इसे ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं अपने घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखिए माशाल्लाह कितने कलरफुल से और कितने सॉफ्ट और मज़ेदार बने हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम भी है, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी और इस रेसिपी की इंग्रीडियंट्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।